बीजेपी और इनेलो के बीच फंसी जेजेपी, दुष्यंत चौटाला के चुनाव से पहले छूटे पसीने, जाने क्यों है इनेलो के निशाने पर जेजेपी। एक और बीजेपी, दूसरी और इनेलो कहां जाएंगे दुष्यंत? दोनों ओर से हो रहे हमले, एक को छोड़ अलग हुए तो दूसरे के साथ मिलकर सत्ता की मलाई खा रहे, पर अब दोनों दे रहे झटके। बीजेपी दुष्यंत की सीट पर पड़ी, वह इनेलो भी छीनना चाह रही राजनीतिक विरासत। बीजेपी लगा रहे दुष्यंत किनारा, इनेलो भी लगातार लगा रहे कई गंभीर आरोप। बीजेपी ने गठबंधन से निकलने का साफ दे दिया इशारा। बीजेपी नेता कह रहे दुष्यंत ने बीजेपी से गठबंधन कर कोई उन पर एहसान न किया। इनेलो कह रहे दुष्यंत कभी नहीं तोड़ेंगे गठबंधन, क्योंकि गठबंधन टूटा तो दुष्यंत पहुंच जाएंगे जेल। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे इनेलो और बीजेपी के बीच फंसे दुष्यंत? गठबंधन टूटा तो क्या होगा? क्यों जाना पड़ सकता है जेल? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है मामला? 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में ऐसे में हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है। दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी जेजेपी दो पार्टियों के बीच घिर गई। दोनों पार्टियों की ओर से दुष्यंत और उनकी पार्टी जेजेपी पर जुबानी तीर चल रहे हैं। यह दो पार्टियां जेजेपी, बीजेपी और इनेलो हैं। एक तरफ से दुष्यंत को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला उनकी पार्टी की सियासत खतरे में दिख रही है। इनेलो और बीजेपी के बीच फंसे दुष्यंत। इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल, जिससे दुष्यंत ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की, 2019 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से निकल अलग पार्टी जेजेपी बना ली। 2019 विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर 10 सीटों पर जीत भी दर्ज कर लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आ गई। दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बने, वह इनेलो मात्र एक विधायक वाली पार्टी बनकर रह गई है। एक बार फिर चुनाव नजदीक है, पर अब दुष्यंत और उनकी पार्टी दोनों ओर से घिर गई है। दुष्यंत जिस बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता का मजा ले रहे हैं, वह अभी दुष्यंत के खिलाफ हो चुकी है और इनेलो से तो 2019 से अदावतें चल रही हैं। इनेलो तो विपक्ष में है ही, क्यों है इनेलो के निशाने पर जेजेपी? 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव है, इसलिए इनेलो जेजेपी पर हमलावर है। इनेलो से ही निकलकर दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी बनाई थी। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जेजेपी पर प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन इनेलो महज एक सीट पर सिमट गई। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में होने से जाट वोटरों ने जेजेपी से अब दूरी बना ली, इसलिए इनेलो अब एक्टिव हो गई है ताकि जाट वोट पर उनकी पकड़ बन जाए। जाट वोटरों को अपने ओर खींचने के लिए इनेलो जेजेपी पर हावी है। इनेलो लगातार जेजेपी पर निशाने साध रही है। इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने जेजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। जेजेपी पर निशाना साधते हुए अर्जुन चौटाला कहते हैं, जेजेपी जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। दिग्विजय चौटाला के एक बयान को लेकर अर्जुन चौटाला ने कहा, गठबंधन में रहकर भी दिग्विजय चौटाला कहते हैं दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है, इस बात को भला बीजेपी वाले कैसे बर्दाश्त कर रही है? वहीं गठबंधन के टूटने पर अर्जुन चौटाला कहते हैं, जेजेपी कभी भी बीजेपी से गठबंधन नहीं तोड़ने वाली है, क्योंकि गठबंधन टूटा तो 10% कमीशन कहां से आएगा? चौटाला ने इससे पहले जेजेपी को चमगादड़ तक बताया है। अभय चौटाला भी बीजेपी पर हमला कर चुके हैं। अभय चौटाला कहते हैं, बीजेपी से जेजेपी गठबंधन जिस दिन टूटेगी उसी दिन दुष्यंत चौटाला को जेल जाना पड़ेगा। दुष्यंत के घोटालों की लंबी फहरिस्त तैयार है।